तो चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के बारे में। इसमें जो समस्याएं हैं उन्हें देखेंगे, बजट में जो अभी प्रावधान किया गया उसे भी देख लेंगे, और इसमें जो समाधान है इसके वो भी बात करेंगे। ठीक, किसी भी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा उस देश की स्वास्थ्य नीति के आकलन का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। विभिन्न विश्लेषकों ने बुनियादी ढांचे को सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों के वितरण हेतु मूल आवश्यकता के रूप में वर्णित किया है। भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। जैसा कि आपको पता होगा, चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है, और गरीबी के व्यापक प्रसार के कारण यह एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। गरीबी, अत्यधिक जनसंख्या और जलवायु कारकों के कारण भारतीय रोगों के प्रति काफी सुभेद हैं। इसके बावजूद भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की का बुनियादी ढांचा काफी दयनीय स्थिति में है, और नई उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र का मौजूद आकार, अनुमान के मुताबिक भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र वर्ष 2022 तक 3 गुना बढ़कर 133.44 बिलियन डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा भारत का चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र में भी प्रत्येक वर्ष 18% की दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2020 के अंत तक इसके 9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के 1.2% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 18-19 में 1.4% हो गया। भारत सरकार वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाने के लिए योजना बना रही है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से जून 2019 के बीच अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों ने कुल 6.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य सुधारों संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। भारतीय संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। याद रखिए, कई बार पूछ लेता है कि स्वास्थ्य किस विषय, किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का, अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य से संबंधित अधिकांश प्रावधान संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। इसमें संविधान का अनुच्छेद 38, 339 ए, 41, 42 और 48, 47, 48 ए शामिल है। ठीक है, पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए। इसमें पीने योग्य पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की मांग के लिए बार बार किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में संबंधी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी। एक आंकड़े के अनुसार भारत के 1.3 बिलियन लोगों के लिए देश में सिर्फ 10 लाख पंजीकृत डॉक्टर हैं। इस हिसाब से भारत में प्रत्येक 13,000 नागरिकों पर मात्र एक डॉक्टर मौजूद है। कितना? 13,000 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर मौजूद है, यानी कि 13,000 नागरिकों का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संदर्भ में 1:1000 अनुपात की सिफारिश की है, यानी देश में प्रत्येक 1,000 नागरिकों पर एक डॉक्टर होना अनिवार्य है। उचित अनुपात की प्राप्ति के लिए भारत को वर्तमान में मौजूद डॉक्टरों की संख्या को दुगुना करना होगा।
झोला छाप संस्कृति। भारतीय चिकित्सा परिषद ने माना है कि झोला छाप डॉक्टरों, वे डॉक्टर जो ना तो पंजीकृत हैं और ना ही उनके पास उचित डिग्री है, कि संस्कृति हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए काफी खतरनाक है। परिषद के आंकड़े बताते हैं कि देश में 50% से अधिक डॉक्टर झोला छाप होते हैं, जहां एक ओर शहरी क्षेत्रों में 58% योग्य चिकित्सक हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 19% से कम है। फिर बात करते हैं अस्पताल में बेडों की अपर्याप्त संख्या। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे का विकास अधिकांश विकसित देशों की तुलना में बहुत कम, यहाँ तक कि वैश्विक औसत से भी काफी कम है। आंकड़ों के अनुसार देश के अस्पतालों में उपलब्ध बेडों का घनत्व प्रति 1,000 जनसंख्या पर 0.7 है, जो कि वैश्विक स्तर पर 2.6 और WHO द्वारा निर्धारित है 3.5 से काफी कम। ठीक, निजी संस्थानों की महंगी शिक्षा। भारत में निजी संस्थानों की चिकित्सा शिक्षा की लागत काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में इतनी क्षमता नहीं है कि विदेश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। निजी संस्थानों की अत्यधिक चिकित्सा शिक्षा लागत और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की कमी से देश में डॉक्टरों की कमी का संकट और गहराता जा रहा है। कानूनों का अप्रभावी क्रियान्वयन। देश में एक और आधे से अधिक राज्यों में चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम लागू है, परंतु इसके बावजूद समय समय पर हिंसक घटनाएं सामने आती हैं। जानकारों के अनुसार इसका मुख्य कारण यह है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये थी आपकी समस्याएं जो इस क्षेत्र में मुख्य समस्याएं हैं। बात कर लेते हैं भारत में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित पहले। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्ता युक्त पेशवपूर्ण देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिशन इंद्रधनुष के नाम से एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। दिसंबर 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में कुपोषण की समस्या को संबोधित करने हेतु पोषण अभियान की शुरुआत की थी। अभियान का उद्देश्य परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से देश भर के छोटे बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में कुपोषण तथा एनीमिया के को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। अगस्त 2018 में सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर में 10 करोड़ से अधिक शहरी और ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य किया गया है। 23 सितंबर 2018 को सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की, जिसके तहत देश भर में 500 मिलियन गरीबों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। बजट की बात करें अभी तो वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक पैनलबद्ध अस्पताल हैं, फिर भी इन योजनाओं के अंतर्गत स्तर 2, स्तर 3 शहरों में गरीबों के लिए अधिक अस्पतालों की आवश्यकता है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों को मौजूद जिला अस्पताल से संलयन करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि देश में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। भारत में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना नीति निर्माताओं के लिए सदैव ही प्राथमिक का विषय रहा है। इसके बावजूद भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में संसाधनों की कमी, डॉक्टरों पर कार्य का अधिक बोझ, कानून का अप्रभावी कार्यान्वयन जैसी कई समस्याएं विद्यमान हैं। यदि हम भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो
उपयुक्त समस्याओं को ध्यान को दूर किया जाना आवश्यक है, ऊपर जो समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र।